नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि जॉइंट प्रॉपर्टी का पार्टीशन जल्दी क्यों करा लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है या नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उसका अगर आपके पास जॉइंट शेयर है, मतलब कि आप हिस्सेदार हैं और लोगों के साथ, मतलब कि एक प्रॉपर्टी में एक से ज़्यादा मालिक हैं और आप उनमें से एक हैं, तो उसका बंटवारा जल्दी से क्यों करा लेना चाहिए। दोस्तों, हम जब सिविल के केसेस लड़ते हैं तो हम बहुत सारे क्लाइंट्स को यही कहते हैं कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा जल्दी करा लीजिए। उसका एक कारण है, उसका सबसे मेन कारण जो है वो झगड़े से बचना है। और कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, हमारा तो पीसफुल है, हम तो एक उसमें जो प्रॉपर्टी है उसमें मान लो 50 हिस्सेदार हैं, लेकिन झगड़ा किसी का नहीं है, तो हम बंटवारा क्यों करवाएं, हम तो ठीक हैं, हम क्यों कोर्ट में खर्चा करें। तो उसका मेन कारण मैं आपको बताऊं कि भाई जब भी कोई और बंटवारा करवाएगा और आप जॉइंट हिस्से में रहेंगे, एक बार बात को समझिए आप कि भाई जब भी कोई बंटवारा करवाता है उसमें तरीका तकसीम प्रिपेयर होता है, मोड ऑफ पार्टीशन, कि भाई बंटवारा कैसे होना चाहिए। उसमें मान लो आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, अगर आप बंटवारे में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका शेयर जो है जो नॉन एक्टिव लिटिगेशन में पार्टिसिपेंट है, जो ही बंटवारा नहीं करवाना चाहते, तो उनका शेयर कोर्ट जॉइंट रख देता है। और जो आके मुकदमे को कंटेस्ट कर लेते हैं या मुकदमा कंटेस्ट करते हैं, वो अपना आके टक अलग बनवा लेते हैं, उनका शेयर अलग हो जाता है। और जो नॉन एक्टिव पार्टिसिपेशन जिनका नहीं है बंटवारे के इसमें हिस्सेदार, उनका कोर्ट जो है एक टक बना देता है इकट्ठा सबका, और सबका इकट्ठा है वो अलग रह जाता है। और जो बंटवारा करवा रहा है, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसमें जो है रस्ते और खाल सबको लग जाएंगे, जिनका टक अलग है, और जिनका शेयर इकट्ठा है उनका टक एक बन जाएगा, सबका जॉइंट बन जाएगा। तो ऐसे में नुकसान क्या हुआ, नुकसान किसको हुआ, जिनका टक जो जॉइंट है वो कैसे बना, कि भाई रस्ते और जो खाल लगे हैं वो सबकी प्रॉपर्टी में से कटा, जिसका हिस्सा अनुसार, मान लीजिए किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो उस हिसाब से उसका जो है रकबा कटा है, किसी के पास 1 एकड़ है तो उसका उस हिसाब से रस्ते और खाल में ज़मीन गई है। तो ऐसे में क्या होगा, रकबा सबका घटेगा लेकिन रस्ता और खाल लगेंगे नहीं, तो वो लोग जो है जो आज बंटवारा करवा रहे हैं वो अपना टक अलग करवा लेंगे, लेकिन जब कल को वो जॉइंट वाले अपना बंटवारा करवाना चाहेंगे तो उनका रकबा फिर से घटेगा, क्योंकि जो जॉइंट है उनको रास्ता खाल लगाने के लिए, उनको रास्ता और पानी लगाने के लिए फिर से रकबा कम होगा। तो ऐसे में क्या होगा, जब तीसरी बार बंटवारा होगा तो जो जॉइंट रहेंगे सबसे लास्ट में नॉन एक्टिव मेंबर, उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा, रकबा उनका भी घट रहा है हर बार, ठीक है जी, लेकिन उनको कोई रास्ता और पानी नहीं लग रहा है, उनको सिर्फ एक जॉइंट तक को वो जो है रास्ता पानी लग रहा है। तो ऐसे में जो सबसे लास्ट में रहेगा, इस वीडियो का जो आइडिया आया वो मेरे को तभी आया जब कल एक क्लाइंट ने मेरे पास जो है डॉक्यूमेंट दिखाए और उसमें मेरे से पूछा कि भाई हमारा रकबा कम क्यों हो रहा है, जबकि हमने तो कोई बंटवारा करवाया भी नहीं, हम तो फिर भी अपने जॉइंट शेयर में रहे। तो उसका रकबा जो है हर बार उसके बंटवारा, जो सबसे पहले बंटवारा हुआ खेवट का, उसका रकबा जब उनके नाम पे ज़मीन आई थी, तो उसके बाद से 4 बार बंटवारा हो चुका। 4 बार बंटवारा होने में क्या हुआ कि हर बार जब बंटवारा हो रहा है तो शेयर के अनुसार रस्ते और पानी के लिए, खाल के लिए सबका रकबा कट रहा है, लेकिन वो फिर भी जॉइंट में है। तो अब जब वो बंटवारा करवाने चले तो हर बार जैसे मान लो कुछ मरले उनका रकबा कम होता गया, और लास्ट में जब वो आज बंटवारा करवाने जा रहे हैं तो आज उनका रकबा पहले जितना नहीं बचा। तो मेन कारण जो है कि भाई बंटवारा सबसे पहले और जल्दी क्यों करवा लेना चाहिए, उसका मेन कारण यही है कि भाई जब आप जितना ज़्यादा जॉइंट टक में रहेंगे या जितने लंबे समय तक बंटवारा नहीं करवाओगे, और जब आपको बंटवारा करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, तब तक आपका रकबा पहले ही औरों को रास्ता दिए जाने के लिए कट चुका होगा। तो इस वीडियो में आपने जाना कि भाई किसी को अपना हक, अपना जो हिस्सा है वो अलग क्यों जल्दी करवा लेना चाहिए। और अगर सबसे पहली बात तो ये है कि भाई अगर कोई बंटवारे की लिटिगेशन पेंडिंग है, तो कई बार क्या होता है कि भाई जैसे मान लो गांव में या शहर में जो फैमिली मेम्बर्स है वो अपना बंटवारा करवाने के लिए पार्टीशन का मुकदमा डाल देते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि हमें तो इकट्ठा रहना है, हमें तो बंटवारा करवाना ही नहीं, तो हम क्यों पार्टिसिपेट करें, तो वो लोग कोर्ट में पेश ही नहीं होते। और उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो नॉन जो एक्टिव मेंबर हैं, जो पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं मुकदमे में, उनको होता है। तो इसलिए जब भी कोई कोर्ट से समन आता है तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप अपना वकील इंगेज करो और अपने बंटवारे के मुकदमे को
जो है वो कंटेस्ट करो, साथ में अपना टकला करवा लो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।